उसका हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। सर प्रशासन की ओर से कुछ कुछ नहीं, नहीं जो जैसा आदेश है लॉकडाउन का, जो भी नियम है, जो भी आदेश निकला है, वो आदेश में हर हर पहलू पर हम लोग अपना अपना भूमिका निभाएंगे। और हम ये भी सबसे अपील करते हैं कि बिल्कुल सभी लोग अपना अपना घरों से बहुत आपातकालीन स्थिति में ही निकले, अनावश्यक बाहर नहीं निकले। और जो सरकार के जो इस आदेश का जो सबके हित में निकाला है, सबका स्वास्थ्य ठीक हो, इस कोरोना से बचे, इसके सभी लोग सहयोग दें। और ऐसा कोई संदिग्ध आदमी मिलता है जिनके यहाँ जो छिपना चाहता है, कि बीमारी को छिपाना चाहता है, उसके बारे में भी सूचना दे ताकि वो दूसरों को इसका संक्रमण ना हो। सर स्ट्रेटजी क्या होगी, पुलिस की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट किस तरह से होगी, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है। 31st देखिए ऐसा है कि आज आप देखे हैं जो जनता कर्फ्यू, अपने आप स्वतः स्फूर्त लोग बंद कर दिया, बिल्कुल इक्का दुक्का कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कोई निकला नहीं है, और जहाँ निकला है हम लोग जाके समझाने पर मान लिया, क्योंकि ये हर आदमी से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप आपको कुछ नहीं होगा, मुझे हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा, आपको होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और अनावश्यक लोगों से मिलना, भीड़ लगाना, ये संक्रमण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ज़्यादा लोगों को संक्रमण होगा, इसलिए दूर रहना है। और मैं समझता हूँ कि लोग अभी समझ गए, इस समझदारी के साथ काम करेंगे, और बाहर जो आवश्यक वस्तुएं दुकानों को छोड़कर बाकी कुछ रहता नहीं, बाहर क्यों घूमेंगे, क्या करने को घूमेंगे, कार्यालय वगैरह भी बंद है। सर जमाखोरी को लेकर क्या अपनी प्रशासन, जमाखोरी का जहाँ जहाँ सूचना मिलेगा हम लोग सख्त कार्रवाई करने का, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि सैनिटाइजर और मास्क की जमाखोरी हो रही है। जो भी सामान या खाने पीने का खाद्य सामग्री हो, जो भी हो, जमाखोरी करेंगे, कार्रवाई। थैंक यू सर।